भोपाल से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के शशांक शेखर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वीडी शर्मा ने पार्टी की दिलाई सदस्यता। नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष थे शशांक शेखर, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वीडी शर्मा ने उनको सदस्यता दिलवाई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कांग्रेस को एक और झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटका लग रहा है। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष शशांक शेखर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वजह क्या बताई जा रही है, क्यों आखिरकार बीजेपी में वो शामिल हुए कांग्रेस का दामन छोड़ के? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को महाकौशल क्षेत्र से एक और बड़ा झटका आज लगा है। कल जबलपुर के महापौर बीजेपी में शामिल हुए थे और आज कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष और पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो बीजेपी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर और मोदी जी के विजन से प्रभावित होकर जो है बीजेपी में आए हैं। पर जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि सिर पर लोकसभा चुनाव है और बीजेपी पूरी रणनीति के साथ जो है तैयारियों में लगी हुई है। ज्वाइनिंग करने के लिए मेगा अभियान जो है बीजेपी ने शुरू किया है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा और उसी के तहत जो है हम लगातार देख रहे हैं कि हर दिन बीजेपी में कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा नेता और कार्यकर्ता जो है शामिल हो रहा है। जी बिल्कुल, वाकई में ये कांग्रेस के लिए भी चिंताजनक बात है कि लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कैसे कांग्रेस इनको रोकती है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लोकसभा चुनाव की ओर आगे बढ़ रही है कांग्रेस, तमाम बैठकें कर रही हैं, रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन जो फूट है कांग्रेस में वही देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका नीलम।